अस्सलामुअलैकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मैथ क्लास फिफ्थ। क्लास फिफ्थ में आज जो एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे वो एक्सरसाइज क्या होगी, एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.5 में क्या कह रहा है। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एंड चेक योर आंसर यूजिंग एडिशन। कह रहे हैं कि सबसे पहले नंबर्स को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर उसको जो उसका आंसर है उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करके देखेंगे कि जो हमारा आंसर आया है वो सही है या गलत है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए। फर्स्ट ए में क्या है, 5, 2, 3, 4, 1, 5, 6। नेक्स्ट है 1, 3, 1, 3, 9, 3, 1, 6, 9। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जिस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन करते थे उसी तरीके से क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां माइनस की साइन लगाएंगे, सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले 6 में से 9 को घटाएंगे, नहीं घटेगा। क्यों, क्योंकि ऊपर का नंबर छोटा है नीचे का बड़ा है। यहां कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में से 9 घटाएंगे कितना होगा, 7 होगा। यहां कितना बचा, 4 बचा। 4 यहां से फिर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में से 6 घटाएंगे 8 आ जाएगा। यहां क्या बचा, 0। फिर यहां से 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9। यहां कितना बचा, 3। 3 में से 3 घटाएंगे 0 आएगा। यहां क्या बचा, 3। 3 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटेगा। यहां से 1 लेके आएंगे, 13 होगा। 13 में से 9 जाएगा, 4 आएगा। 13 में से 9 जाएगा, 4 आएगा। यहां कितना बचा हुआ है, यहां से 11 होगा। 11 में से 3 जाएगा, 8 होगा। 11 में से 3 जाएगा, 8 होगा। यहां 4 बचा, 4 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। अब सब्ट्रैक्शन तो हमने कर दिया, लेकिन इसको चेक करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, नंबर्स को ऐड करके देखेंगे। अगर ये वाला नंबर और नीचे का जो हमने सब्ट्रैक्ट किया है, अगर दोनों नंबर हमने ऐड, दोनों नंबर्स को अगर हमने ऐड किया और ऊपर वाला नंबर हमको मिल गया, इसका मतलब हमने सब्ट्रैक्शन सही किया। तो सबसे पहले यही जो हमारा आंसर है, यही वाला नंबर 3, 8, 3, 8, 4, 0, 9, 8, 7, ये नंबर्स हो जाएगा। और जस्ट उसी के नीचे, ये नीचे का जो नंबर्स जिसको हमने इसमें से घटाया है वो हम इसके नीचे लिखेंगे, 1, 3, 9, 3, 1, 6, 9, 1, 6, 9। दोनों नंबर अब क्या करेंगे, सम करेंगे। सम करेंगे, 9 में 7 ऐड करेंगे कितना होगा, 16 होगा। 16 होगा, 1 कैरी होगा, 1 ऊपर जाएगा। 8 में 6 जोड़ेंगे 14, 1 ऐड करेंगे 15 होगा, 1 कैरी होगा। 1 में 1 जोड़ेंगे 9 में 1 जोड़ेंगे 10, यहां 11 होगा, 1 कैरी होगा। यहां 3 में 1 ऐड करेंगे 4 होगा, 9 में 4 जोड़ेंगे 13 होगा, और फिर 1 कैरी होगा। 8 में 9 में 1 जोड़ेंगे, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 होगा, 1 कैरी होगा। 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और मिला करके 5। आप देख रहे हैं यही नंबर 5, 2, 3, 4, 1, 5, 6, 5, 2, 3, 4, 1, 5, 6, यही वाला नंबर जो है वो हमारा ऊपर भी मिल रहा है। इसके मतलब जो हमने सब्ट्रैक्ट किया था वो हमारा क्या था, बिल्कुल सही था। इस तरीके से फर्स्ट का ए वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी का जितना भी है कुछ करना नहीं है, हर क्वेश्चन को आप इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। एक और है इसमें हमारा एन, एन वाला बिल्कुल एक हम लास्ट वाला बता रहे थे, एन वाला। एन में क्या है नंबर्स, 2, 3, 6, 2, 3, 6, 1, 8, 8, 1, 5, 1, 8, 8, 1, 5, ये नंबर्स हमारे हैं। और दूसरा नंबर्स क्या है, 5, 5, 1, 5, 6, 9, 1,
69 और 609, 609 ये नंबर्स हमारा है, हमको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। जब हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल यहां जब आएंगे, यहां यहां 2 है, यहां 5 है, यहां से सबट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। यहां से हमारा 2 में से 5 सबट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि 2 छोटा है, 5 बड़ा है। कभी भी ऊपर का नंबर जब छोटा होता है, नीचे का बड़ा होता है, तो सबट्रैक्ट नहीं होता। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन गलत है। हम इसको क्या करेंगे, ऐसा कर सकते हैं कि ये ऊपर वाला नंबर, जो नीचे का नंबर, उसको पहले लिख दें, और जो ऊपर का उसको नीचे लिख करके हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम वही करें, जो हमारा ऊपर वाला नंबर है 515 696 09, इसको ऊपर लिख देंगे, नीचे 23 618 815 सबट्रैक्ट कर देंगे, सबट्रैक्ट अब हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का नंबर बड़ा है, नीचे का छोटा है। 9 में से 5 जाएगा, 4 आएगा, यहां 10 में से बन जाएगा 9 आएगा, यहां 15 में से 8 जाएगा 7 आएगा, और यहां 8 में से 8 जाएगा 0 होगा, 6 में से 1 जाएगा 5 होगा, 15 में से 6 जाएगा 9 आएगा, और यहां 10 में से 3 जाएगा 7, और यहां 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा, 2 7 9 5 0 7 9 4 हो जाएगा। अब हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये वाले नंबर्स पे ये वाला नंबर्स जोड़ देंगे। अगर ऊपर वाला नंबर हमारा मिल गया, इसका मतलब हमारा जो एडिशन सब्ट्रैक्शन था वो सही है। तो नंबर्स क्या है, 2 7 2 7 9 5 0 9 5 0 7 9 4 7 9। दूसरा नंबर हमारा पहला ये जिसमें जो हमने सब्ट्रैक्ट किया उसी को ऐड करेंगे, 2 3 6 1 8 6 1 8 8 1 5 क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे। 5 में 4 ऐड करेंगे 9 आएगा, यहां 10 होगा, यहां 16 होगा, यहां 9 होगा, यहां 6 होगा, यहां 5 होगा। 7 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा, 10, और 1 में करके 11, यहां 5। यहां हम देख रहे 515 6 9 6 0 9 515 6 9 6 0 9, यही वाला नंबर हमारा यहां सामने दिख रहा है। इसका मतलब जो हमने सबट्रैक्शन किया था वो हमारा क्या था, सही था। हमको कैसे पता चला, ऐड करके पता चला। इस तरीके से हमारा जितना भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला टू एक्सरसाइज 2.5 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सब में वही करेंगे कि पहले सबट्रैक्ट कर देंगे, जो जिस नंबर से आपने सबट्रैक्ट किया है जो आंसर आएगा उसमें सम करके देखेंगे। अगर ऊपर वाला नंबर मिल जाएगा इसका मतलब कि आपने सबट्रैक्शन सही किया है। इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द बॉक्स बाई तक करेंगे, कह रहे हैं कि इसमें क्या दिया, बॉक्स दिया, उसमें करेक्ट डिजिट लिख करके उसको पूरा करें। नंबर्स हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए, 2 का ए, 313, फिर 00, यहां बॉक्स है 89, नेक्स्ट 188, यहां बॉक्स है, यहाँ बॉक्स है, फिर यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, फिर यहाँ 0 है, यहाँ बॉक्स है, और यहाँ 1 है, यहाँ बॉक्स है, 5 है, 0 है, 0 है, 0 है, 8 है, यहाँ 9, और यहाँ माइनस की साइन है। इसको कंप्लीट करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ 9 है, 9 में से क्या घटाएंगे, 0 घटाएंगे, तो यहाँ 9 आएगा, 8 में से 0 घटाएंगे, 8 आएगा,
जीरो में से जीरो को सबट्रैक्ट करेंगे जीरो, फिर यहाँ जीरो में से जीरो को सबट्रैक्ट करेंगे जीरो, 13 में से 8 जाएगा 5, 10 में से 8 जाएगा 2 होगा, 2 में से बन जाएगा 1। इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा बॉक्स भी आप कंप्लीट कर लेंगे। दूसरे बॉक्स में क्या करेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा, फिर 17 में से 9 जाएगा 8 आएगा, और फिर 9 में से 4 जाएगा 5 आएगा, 9 में से फिर 4 घटाएंगे 5 आएगा, फिर नेक्स्ट 9 में से 8 में से 3 घटाएंगे 5 आएगा, फिर नेक्स्ट 8 में से 3 घटाएंगे 5 आएगा, तो बी वाला भी आपका हो जाएगा। अब फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन नंबर 3 में फिल इन द ब्लैंक्स है। जैसे ए वाला दोनों नंबर सेम है, जब सेम नंबर में से सेम नंबर्स को घटाते हैं तो हमारा क्या आता है, जीरो आता है। तो ए वाले में क्या होगा, जीरो होगा। बी वाले में जीरो क्या हो रहा है, सबट्रैक्ट हो रहा है, तो फिर वही जिस नंबर में से जीरो हम सबट्रैक्ट करें वही नंबर आ जाएगा सामने। और सी वाले में से वन सबट्रैक्ट हो रहा है, तो 5917156 की जगह पे 155 हो जाएगा सी में। डी में क्या होगा, वही नंबर सेम हमारा सबट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ डी में भी जीरो हो जाएगा। और ई में 5936175 में से -1 हो रहा है, तो 15175 की जगह 174 हो जाएगा। एफ में 0 सबट्रैक्ट हो रहा है, तो वही नंबर्स हो जाएगा। यहाँ कह रहे जी वाले में 17-9=8, कह रहे 17 में से जब हम 9 को सबट्रैक्ट करते हैं तो हमारा 8 हो जाएगा। क्या 9 में से 17 को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि 9 हमारा छोटा है 17 बड़ा है, कभी भी सबट्रैक नहीं कर सकते। तो ऐसा यहाँ क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एच वाले में क्या करेंगे, 5161756 में से 1 सबट्रैक करना है, पूरा नंबर वही रहेगा, 51 होगा, 61 होगा, 75 होगा, 6 की जगह पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से करके पूरी एक्सरसाइज को क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, ज्यादा कुछ करना नहीं है, है ना, कुछ करना नहीं, आप बड़ी आसानी से इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आपकी एक्सरसाइज कहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी, एक्सरसाइज 2.5 तक कंप्लीट हो जाएगी। सारी बात को अगर आप अच्छे से सुन करके समझ करके करेंगे तो आसानी से आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। तो अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको बताई जाएगी वीडियोज में, वो एक्सरसाइज क्या होगी, एक्सरसाइज 2.6 होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियोस होगी उसमें आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बता दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। जज़ाकअल्लाह।